मध्य प्रदेश में भारी भरकम बैग लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने बच्चों पर बैग का वजन कम करने का फैसला कर लिया है। कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के स्कूली बच्चों के बैग का वजन कितना होगा, सरकार ने यह तय कर दिया है। साथ ही अब सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षा के मुताबिक नोटिस बोर्ड पर बैग का वजन लिखना होगा। राज्य सरकार का यह आदेश नए शिक्षण सत्र से लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक दिन नो बैग डे घोषित कर दिया है, यानी कि हफ्ते में एक दिन बच्चों को स्कूल में बैग नहीं लाना होगा। सरकार का नया आदेश कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक के बच्चों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने स्कूली बैग का जो वजन तय किया है उसमें कक्षा पहली से लेकर दूसरी तक 1.6 से लेकर 2.2 किलो तक का वजन होगा। तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए 1.7 से 2.5 किलो का वजन होगा। कक्षा छठवीं से सातवीं तक के बच्चों के लिए 2 से 3 किलो के बैग का वजन होगा। कक्षा आठवीं में 2.5 से लेकर 4.2, कक्षा नौवीं और दसवीं के लिए 2.5 से लेकर 4 किलो तक स्कूली बैग का वजन होगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के क्लास में बैग का वजन शाला प्रबंधन समिति तय करेगी। सरकार ने बैग के वजन की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने तय कर दिया है कि कक्षा दूसरी के छात्रों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के छात्रों को हर सप्ताह 2 घंटे, कक्षा छठवीं से आठवीं तक हर दिन 1 घंटा और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर दिन 2 घंटे का ही होमवर्क मिलेगा। साथ ही स्कूलों को ऐसी समय सारणी बनाना होगी जिससे छात्रों को हर दिन सभी पुस्तक नहीं लाना पड़े। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत नया आदेश जारी किया है जो साल 2024-25 के शिक्षण सत्र से लागू होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।